गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किशनगंज का ट्रिप तो ख़त्म हो गया, हम लोग वहां से वापस अपने गांव आ चुके हैं। मेरे पीछे का नज़ारा देख के आपको पता चलने गया होगा कि हम लोग अभी कहां पर हैं, और अभी हम लोगों से मिलने के लिए मामा जी आए हुए हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने चाय पिया सब ने चाय ख़त्म कर दिया है, मेरा सिर्फ बचा हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद मामा से हम लोग मिले हैं। कब मिले थे लास्ट टाइम? 8-10 दिन पहले। अभी मामा जी रात में मामा जी किसी बाराती में गए हुए थे, तो बाराती से आने के बाद अभी इनका आवाज़ पूरा बैठा हुआ है। थोड़ा सा डांस वांस किए थे, चिल्लाए थे, हल्ला किए थे इसी वजह से। और पीछे अजीत मिश्रा व्लॉग्स हैं, मुस्कुरा रहे हैं वो। और इनके पास भी कंटेंट एकदम ख़त्म हो चुका है, बोलने के लिए कंटेंट इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। सारे वीडियोज इन्होंने पब्लिश कर दिए अपने चैनल पे। अब कंटेंट का जो है कि होर लगा हुआ है, अब कहाँ से क्या खोज के पब्लिश किया जाए। बाकी मामा जी भी चैनल शुरू करने वाले हैं अभी, तो उनके चैनल का नाम हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बाद में। गाय जी, एक चीज़ बताना भूल गए कि मामा जी रात में जिस शादी में गए हुए थे, उस शादी में भोजपुरी के कुछ एक्ट्रेस लोग आई हुई थी, जिसमें त्रिशाकर मधु आई थी और माही मनीषा लोग आई हुई थी। तो बहुत ही गदर ऑर्केस्ट्रा हुआ, गजब का डांस हुआ। तो ये जो है कि 10-10 के नोट लेके गए थे, बहुत सारा गड्डी लेके गए थे, उड़ाए हैं पूरा, एकदम दबा के मस्ती किए हैं। उसी में तो चिल्ला है, इनका आवाज़ ख़राब हो गया है। देख लीजिए मुस्कान उनके चेहरे पे, चेहरा नाम सुन के ही खिल गया बिल्कुल। नहीं सही में आँख अभी भी लाल हुआ है, ऐसा होता है कि अभी मतलब धीरे धीरे निकल रहा है बारात से। हम दो बार गए हैं वहाँ पर, दो बार यानी पार किए हैं स्टीमर से, तो उस समय तो बहुत कम चार्ज था, यानी कि बहुत कम लेता था पैसा। चले ये हमारे मामा जी, और ये जी एन झा ब्लॉग तो आप देखे होंगे चैनल। राहुल जी आए थे, सूरज का बोला भी नहीं चुत नहीं सुधरेगा। ये देखिए सामने का व्यू, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये सनसेट देखिए कितना मस्त है, इस जगह का सनसेट बहुत ही जबरदस्त होता है। हाँ ये देखिए ना, ये व्यू जो है मतलब ये समझ लीजिए आप गैंगटोक में खड़े हैं, एकदम लग रहा है एकदम बिहार का जो है ना गैंगटोक वाला व्यू है। अब रुकिए यहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोग अभी घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा सा मार्केट जाना है सब्जी खरीदने के लिए। तो गाड़ी के साथ में हम तीन लोग यहाँ से निकले हैं, अजीत मिश्रा ब्लॉग सर, मामा जी भी साथ में है मेरे। तो जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह मुझे बहुत ही अच्छा सा लोकेशन मिला था, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये सनसेट का, यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है, क्योंकि ये जो रोड है ये सोनेली बाज़ार से बस्तौल को कनेक्ट करती है, और बस्तौल से जो है दो रास्ता जाता है, एक तो बंगाल की तरफ सीधे चला जाता है मालदा लावा प्रांतपुर की तरफ, लावा और मालदा की तरफ, और दूसरा रास्ता कटिहार की तरफ जाता है। तो इसीलिए ये रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी है, कनेक्टिंग रोड है। अब रोड को देखिए, वो सोनाली की तरफ था, ये बस्तौल की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ का व्यू आप देखिए, यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।
मार्केट में आने वाले थे उस मार्केट में आ चुके हैं। तो ये सब्जी मंडी है, आप सब्जी मंडी के एक बार घूम कर हमेशा भाजी खरीदते रहते हैं क्या, मतलब भाजी भाजी कर करके क्या। यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है मुंबई मुंबई में और बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि नया नया वायरस आ रहा है, और यहाँ सब पब्लिक को पता है, लेकिन देखिए सब लोग कायदा कानून से रह रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए सबके मुंह पे मास है, देखिए जितना लोग हैं सबके मुंह पे मास है। देखिए क्या है, कोरोना नहीं है हा? क्या बोले, नहीं है कोरोना, कोरोना नहीं है। हर्ष राजपूत का वीडियो देखते हैं, काला वाला बैगन है, काला वाला बैगन गोल, कितना काला, छोटा छोटा जो रहता है। कहा बाबू काला वाला है नहीं वाला क्या काला वाला बैगन, ये तो ये वाइट बैगन है ना, इसमें काला वाला आता है जो एकदम काला रहता है, देखिए लंबा लंबा रहता है, देखिए इतना बड़ा बड़ा रहता है। हाँ गाना गाओ बाबू, गाओ गाओ, मस्त गा रहे थे, गाओ। अच्छा वो वायरल वीडियो आपका ही है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तुम्हें गाए थे ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरे जाने मन। 5 मुट्ठी 20 रुपया, बताइए वाकई में सस्ताई अगर कहीं है तो बिहार में ही है। फाइनली फ्रेंड हम लोग का मार्केटिंग जो कि हो गया यहाँ पे भाजी वोजी लेके, तो अभी हम लोग थोड़े टाइम में निकल रहे हैं यहाँ से। इस मार्केट में हमें आना था, मार्केट में आ गए और शॉपिंग करना नहीं हो गया, हो गया करना था, वो शॉपिंग हो गया थोड़ा थोड़ा पड़ करके, अब जो है हम लोग यहाँ ये भी हो गया, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। सब्जी के मार्केटिंग के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे पान खाने के लिए, यही दुकान है हम लोग का जो कि हमेशा रुकते हैं, जब बस तो लाते हैं तो पान खा के ही आते हैं। मामा जी का चूना वाला पान लगाइए जर्दा डाल के, और हम लोग का मीठा पान बनाइए जर्दा डाल के, बाकी सबको चूना लगाइए सर, बाकी सबको चूना लगाइए, हम लोग को कुछ मत लगाइए। तो दोस्तों मार्केटिंग करते करते हम लोग आ गए यहाँ पान की दुकान पे पान खाने के लिए, पान खा चुके, अभी पान बन रहा है, बाकी पीछे का नज़ारा देखिए आप लोग कैसा है। शाम के समय यहाँ पे सब्जी का बहुत अच्छा सा मार्केट लगता है, तो सारे लोग गाँव के आसपास लोग हैं सब यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, बाकी चहल पहल देख के आपको लग रहा होगा कितना चलता फिरता मार्केट है ये। दोस्तों सब्जी खरीद कर हम लोग मार्केट से जल्दी ही आ गए थे शाम को, लेकिन घर में कुछ काम था इसके वजह से मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया, और अभी मैं छत पे आया हूँ वीडियो को सिर्फ एंड करने के लिए, अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और मैं अभी छत पे हूँ, देखो आप बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। I've been looking for a way from this town.